हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास टेंथ का जो मैथ का चैप्टर है 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो एक्सरसाइज 8.3 उसका क्वेश्चन 2 देखेंगे। 2 और 3 दोनों इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट को डिस्कस किया तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कुछ आइडेंटिटी देखी थी, वहां पे एक बार मैं बता देती हूँ। वहां पे साइन की यूज होगी कोस की, टेंजेंट की। तो देखो हमने क्या देखा था कि अगर यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, कोस थीटा के इक्वल। सेकेंड थी कि कोस 90 माइनस थीटा है तो वो साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। थर्ड थी कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा है तो वो कोट थीटा के इक्वल हो जाता है, और ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा है तो वो टेंजेंट थीटा के इक्वल हो जाता है। ये जो आइडेंटिटी थी ये यूज होंगी इसमें, हमने पहले वाली वीडियो में भी देखी थी। तो अब हम क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। क्या है, टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री। इसको 1 के इक्वल हमने दिखाना है। तो यहाँ पे हम इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है ये वाली साइड। इसमें देखो, इसमें आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इन फर्स्ट दो को चेंज करो या तो इन दो को चेंज करो। तो हम इन दोनों को चेंज करके इसको निकालेंगे कैसे। ये है टेंजेंट, और 48 को मैं लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जैसे यहाँ से ये सब्सट्रैक्ट होगा तो 48 ही आएगा। उसके बाद टेंजेंट, इसको मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस में 67 डिग्री, और ये दोनों एज इट इज, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ से आइडेंटिटी है कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोट 42 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, कोट 67 डिग्री। ये आएगा टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री। अब कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का। कोटेंजेंट इज अपोजिट ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का उल्टा होगा ये कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय टेंजेंट 42 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेंजेंट 67 डिग्री, क्योंकि कोट होता है वो टेंजेंट का अपोजिट होता है। ये टेंजेंट 42 डिग्री है और ये टेंजेंट 67 डिग्री है। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1। यही हमने दिखाना था कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो 1 के इक्वल होगी। तो ऐसे आप इसको दिखा सकते हो। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसमें कुछ नहीं, अगर आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से आती है तो आप इजिली निकाल पाओगे। अब क्या है क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस में साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब इसमें भी आपके पास चॉइस है, या तो इन दोनों को चेंज करो या तो इन दोनों को चेंज करो, वो आपकी चॉइस है। तो हम इन सामने वाले को चेंज करेंगे कैसे, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि कोस 90 माइनस में 52 डिग्री, क्योंकि 90 में से 52 जाएगा तो वापस से 38 आ जाएगा। ऐसे इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, कोस 90 माइनस में 38 डिग्री, तो 52 यहां से बचेगा। इसको एडिटिव रखो, एलएसएस समझे, यहाँ पे सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में 0 इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से देखो आइडेंटिटी थी कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा के। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, साइन 52 डिग्री, और यहाँ से ये बनेगा साइन 38 डिग्री माइनस में साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब ये वाली दोनों सेम है, ये वाली दोनों सेम है, तो इसमें से ये जाएगा तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि अभी साइन 52 है, साइन 52, साइन 38, साइन 38, तो एक किसके इक्वल आ जाएगा, 0 इक्वल। वही हमने दिखाना था कि एक किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन 2 है वो कम्प्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 में हमें क्या गिवन है कि टेंजेंट 2a किसके इक्वल गिवन है, कोट ए माइनस 18 डिग्री के इक्वल गिवन है, और 2a क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री से छोटा होगा, हमें a की वैल्यू को बताना है। तो यहाँ से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट को अगर हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू बनानी है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू बनानी है तो वो क्या है, कोट 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इस टेंजेंट को कोट में बनाना चाहते हैं तो ये क्या बनेगा, कोट 90 माइनस में 2a और ये कोट ए माइनस में 18। अब यहाँ से इस कोट से ये कोट कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल इसको सोल्व करना, कोट 90 माइनस 2a ए माइनस 18। अब ये 18 यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस में 18, और ये 2a वहां पे जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है वहां पे जाके पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आके पॉजिटिव। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, 108 और यहाँ पे 3a, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 108 बाई 3। तो यहाँ से 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 36 डिग्री।
ऐसे आप निकाल सकते थे कि टेंजेंट में कोट में बदला, कोट से कोट कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद ये वाली वैल्यू इसके 18 को इस साइड लेके आई तो पॉजिटिव हो गया, 2a को उस साइड लेके गए तो ये भी पॉजिटिव हो गया, एक इनको जोड़ा और इनको जोड़ा तो 3a किसके इक्वल आया 108, k की वैल्यू आई 108/3 विच इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2-3 हैं वो सोल्व होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन 4-5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।